एक लड़की एक साथ दोनों ब्रदर के साथ अफेयर करती है। उन दोनों ब्रदर्स को उस लड़की के साथ जाकर एक नई लाइफ स्टार्ट करनी थी। उन्हें पैसों की जरूरत थी जिसके लिए गलत रास्ता चूज करते हैं, जिससे सब लोगों की लाइफ एक बहुत ही बड़ा टर्न लेती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिफोर द डेविल नोज यू आर डेड, ये 2007 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अभी ना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर जीना और एंडी को इंटीमेट होता देख सकते हैं। ये वैकेशन के लिए न्यूयॉर्क से दूर ब्राजील में आए हुए अपने सब वरीज को छोड़कर इन्हें यहाँ पर रहना बहुत ही अच्छा लगता है। जीना कहती कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होते तो हम लोग यहाँ पर रह सकते थे। एंडी ने कहा कि इस बात पर मैं जरा सोचूंगा। जीना बहुत खुश थी और वो रोने लग जाती है। सब वरीज छोड़कर जिस तरीके से एंडी उसे प्यार कर रहा है ऐसा उसे न्यूयॉर्क में नहीं करता। जीना को भी न्यूयॉर्क में बहुत ही घटिया लगता है। इसके बाद हम एक ओल्ड लेडी को ज्वेलरी शॉप में देखते हैं। शॉप ओपन करने के बाद एक आदमी उसे लूटने के लिए आ गया। उसे गन दिखाता है और सबको ज्वेलरी देने के लिए कहता है। वो बेचारी ओल्ड लेडी बहुत ही डर गई थी। इस रॉबरर के पास उनकी सेफ के कॉम्बिनेशन भी थे। ज्वेलरी कांच के बॉक्स में पड़ी हुई थी। इसकी चाबी ओल्ड लेडी उसे दे देती है पर फिर भी कांच टूट नहीं रही थी। रॉबरर ने इसे तोड़ने की बहुत कोशिश की पर जब वो डिस्ट्रैक्टेड था तो जहां से उस ओल्ड लेडी ने चाबी निकाली थी वहां पर गन भी थी। वो लेकर उसे शूट कर देती है। रॉबरर ने भी उस ओल्ड लेडी को शूट कर दिया। उसकी गन नीचे गिर गई और वहां से वो भागने की कोशिश कर रहा था तो ओल्ड लेडी फिर से उसे शूट कर मार डालती है। घायल होकर वो शॉप से बाहर निकला। उसका पार्टनर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां से वो भाग गया। जो आदमी भागा है वो हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। इसका नाम है हैंक। अब हमें हैंक की बैक स्टोरी पता चलती है। 3 दिन पहले अपने बेटी का गेम देखने के लिए वो गया हुआ था। यहाँ पर हैंक का ब्रदर एंडी भी आया हुआ है। हैंक अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है पर उसकी वाइफ से उसका डिवोर्स हो चुका है। आजकल उसे चाइल्ड सपोर्ट देने के लिए भी पैसों की बहुत जरूरत है। ये बात एंडी को पता है। वो अपनी बेटी को घर पर छोड़ने के लिए आया तो उसकी वाइफ भी उसे बहुत गालियां देती है। लास्ट कुछ मंथ्स के पैसे उसने उसे दिए नहीं है। हैंक अपनी बेटी को एक अच्छा एजुकेशन देना चाहता था तो उसके लिए वो बहुत ट्राई कर रहा था। रात में उसके ब्रदर एंडी ने उसे बार में बुलाया। एंडी कहता है कि मेरे पास एक गाइड है, ये बहुत ही इजी मनी होगा, हम एक प्लेस लूट सकते हैं। हैंक ने कहा कि ये तो बहुत ही सीरियस क्राइम है, ये सब मैं नहीं कर सकता। एंडी ने कहा कि इतना भी कुछ भी सीरियस नहीं है, यहाँ पर किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई हर्ट नहीं होगा। मुझे बताया कि तुम्हें पैसों की जरूरत है तो ये काम तुम्हें कर लेना चाहिए। हैंक ये सब करने के लिए रेडी नहीं था पर फिर भी वो डिटेल मांगता है। एंडी ने कहा जब तक तुम मान नहीं जाते तब तक तुम्हें कोई भी डिटेल्स नहीं मिलेगी। अगले दिन हैंक काम से जल्दी घर जाता है क्योंकि उसका जीना के साथ अफेयर चल रहा है। इंटीमेट होने के बाद हैंक जीना से कहता है हम दोनों को दूर चले जाना चाहिए। जीना कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी पैसा नहीं है, तुम्हारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और इससे हम नहीं बच सकते। हैंक ने कहा कि मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा, तुम सिर्फ आने के लिए हाँ कहो। जीना कहती है कि हमारी रिलेशनशिप सिंपल है, इसे सिंपल ही रहने देते हैं। रात में हैंक अपनी बेटी का प्ले देखने के लिए आया। वो उस पर बहुत ही प्राउड था। उसकी बेटी कहती है कि मुझे ट्रिप पर जाना है, इसके लिए उसे $100 लगने वाले थे। हैंक ने इसके लिए हाँ कहा पर उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे तो डायरेक्टली एंडी के पास आ जाता है। तो वो प्लान के बारे में सुनने के लिए रेडी था। हैंक ने कहा कि एक बार मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, इसके बाद तुम मुकर नहीं सकते। हैंक इसके लिए मान गया। एंडी कहता है कि हम हमारे पेरेंट्स का शॉप लूटने वाले हैं। हैंक को ये बात मजाक लगती है पर एंडी ने कहा कि उसके इंश्योरेंस है, हम जो भी लूटेंगे ये सारे पैसे फिर से हमारे पेरेंट्स को मिल जाएंगे, यहाँ पर कोई भी हर्ट नहीं होने वाला। एक डे उसका फिक्स था जहाँ पर उनकी शॉप पर 70 ईयर्स की एक लेडी काम करती थी। उसे कुछ भी दिखता भी नहीं था तो उससे सब कुछ सामान चुराना बहुत ही इजी होता। हैंक अब ये काम करने के लिए अनश्योर था तो एंडी ने उसे $2,000 दिए। उसने कहा कि देखो तुम्हारे कितने प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होंगे और उसके बाद तुम मुझे आंसर बताना। इस रॉबरी से दोनों को बहुत फायदा होगा और एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकेंगे। रात में हैंक एक बारटेंडर से मिलने के लिए आया जिसके बारे में उसे पता है कि कभी कभी इलीगल काम भी करता है। ये काम करने के लिए हैंक ने उसे मना लिया और कुछ पैसे भी दे दिए। $2,000 के अपने वाइफ के पैसे भी वो दे देता है। इसके बाद रॉबरी का दिन आया। हैंक उस बारटेंडर को जिसका नाम है बॉबी उसे लेने के लिए उसके घर पर आता है। घर पर बॉबी की एक वाइफ और छोटा सा बेटा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो निकल जाते हैं। एक जगह पर हैंक ने गाड़ी रोकी और अपने फेस के लिए नकली हेयर सो ले लेता है। इस पर बॉबी बहुत हंसा। उसने कहा कि तुमने पहले कभी भी नहीं किया, आज सब कुछ मैं ही करूंगा, तुम सिर्फ गाड़ी में बैठना, जब मैं बाहर निकलूं तो गाड़ी रेडी रखना। बॉबी ने अपने साथ एक डिस्क लाई थी जिसे सुनने के बाद वो रॉबरी के लिए रेडी था। जैसे कि हमें पता है कि बॉबी को उस ओल्ड लेडी ने मार दिया था।
हैंक इसके बाद बहुत ही ज्यादा डर गया था, सारा मेकअप उसने निकाला और फिर वो एंडी को कॉल करता है। अब इसके बाद फिर से फ्लैशबैक में एंडी के बारे में पता चलेगा। एंडी आजकल पैसों को लेकर ज्यादा तकलीफ में था, तो ऑफिस में भी वो ड्रग्स करता है। उनके बॉस ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें उसे पता चला कि IRS के लोग उनको ऑडिट करने वाले। एंडी ने एक बड़ा फ्रॉड किया था जिसके बारे में अब उन्हें पता चल जाएगा। उसका टेंशन दूर करने के लिए ड्रग डीलर के पास आया और वहां पर जाकर वो हाई हो जाता है। उसे कहता है कि जो मैं काम करता हूँ यहाँ पर सब कुछ चीजें एक सिस्टम के थ्रू चलती है, उसी तरीके का सिस्टम मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। ड्रग डीलर ने कहा कि इस सब के बारे में अपनी वाइफ से बात करो। एंडी कभी भी अपनी प्रॉब्लम जीना को नहीं बताता। घर आने के बाद फिर से एंडी और जीना के रोमांस में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। एंडी कहता है कि हम ब्राजील में फिर से वापस जाएंगे, सारे टेंशन से दूर हो जाएंगे। अगर उसे सीखना पड़ा तो वहाँ की लैंग्वेज भी वो सीख लेगा, इसके लिए एफर्ट्स देने के लिए रेडी था। जीना को ये बात बहुत अच्छी लगती है। अगले दिन वो एक शॉप में आया जहाँ पर इलीगल ज्वेलरी बाय की जाती है। शॉप ओनर से वो बात करता है और कहता है कि क्या अब भी तुम ये काम करते हो। ओल्ड मैन को लग रहा था कि एंडी शायद पुलिस है, तो अपना कार्ड उसे देकर चला जाता है। कहता है कि मेरे बारे में तुम रिसर्च कर सकते हो। इसके बाद ही एंडी ने हैंक को एक काम करने के लिए रेडी किया था। जब सब कुछ गड़बड़ हो गई तो उनके फादर को हॉस्पिटल से उन्हें कॉल आता है। हॉस्पिटल में आने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी मदर की डेथ हो चुकी है। शॉप में कोई दूसरी ओल्ड लेडी नहीं तो उनकी मदर ही थी। मदर अब पूरी तरीके से अनकॉन्शियस है और बाद में वो कोमा में चली जाती है। शॉप में तो वहाँ काम करने वाली अलग ओल्ड लेडी होनी चाहिए थी। रब ये सब हुआ कैसे, यह भी पिछली रात की स्टोरी से पता चलता है। इनके फादर का नाम था चार्ल्स और मदर का नाम था ननेट। रॉबरी के दिन फादर की आई एग्जाम थी तो वहाँ पर वो जाने वाले थे। रात में ननेट को कॉल आया, जो ओल्ड लेडी वहाँ पर काम करती थी उसे किसी और काम के लिए बाहर जाना था। ये डिसाइड करते हैं कि चार्ल्स अपनी आई एग्जाम लेने के लिए जाएगा और ननेट अपना शॉप संभालेगी। चार्ल्स चेकअप करवा कर ननेट को लेने के लिए आया तो वहाँ पर डायरेक्टली पुलिस थे। ननेट को इस तरीके से देख कर उसे बहुत बुरा लगता है। डॉक्टर ने उसे कहा कि आपकी वाइफ ब्रेन डेड है, हम कितना भी कुछ भी करें पर फिर भी वो इसी तरीके से रहेगी। ये सब चीजें हैंक हैंडल नहीं कर पाता और वहां से चला गया था। अगले दिन पेपर में बॉबी की फोटो छपी थी। ये देखकर चार्ल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कर कैसे सकता है। वो पुलिस के पास जाकर इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कोई भी हेल्प मिल नहीं पाती। उन्होंने खुद इसके बारे में बहुत रिसर्च किया पर फिर भी कहीं पर भी ये नहीं पहुंचते। कुछ दिन गुजर चुके थे। एंडी ने कहा कि आपको मदर को लेकर डिसीजन लेना पड़ेगा, इस तरीके से हमेशा हम मशीन्स की मदद से उन्हें जिंदा नहीं रख सकते। इसके बाद मदर का फ्यूनरल हुआ। हैंक को बहुत ही ज्यादा गिल्टी लग रहा था तो जल्दी से यहाँ से चला जाता है। फ्यूनरल के बाद चार्ल्स ने फिर से पुलिस ऑफिसर को कॉल करने की कोशिश की पर उसका कॉल कोई भी उठा नहीं रहा था। वो पुलिस से भी अब तंग आ चुका है। इसके बाद फ्लैशबैक में हैंक ने रॉबरी के बाद क्या किया था इसके बारे में पता चलेगा। वो गाड़ी के ऊपर के अपने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है। उसने कार रेंट पर ली थी तो उसे वो रिटर्न कर देता है। उसे अपनी बेटी का कॉल आता है जिसने उसे $100 मांगे थे, उसने अब तक उसे वो दिए नहीं है। हैंक के पास कोई भी पैसे नहीं तो उसकी डॉटर भी उसे बहुत भला बुरा कहती है। रात में हैंक और एंडी मिले। एंडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। वो पूछता है कि क्या पुलिस हमारे बारे में पता कर सकते है। हैंक ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, उसने कार रेंट पर ली थी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। घर पर आने के बाद हैंक को कार रेंटल से कॉल आता है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सीडी गाड़ी में ही रह गई है, ये सीडी बॉबी ने ही रखी थी। इस बात की वजह से वो डर गया। अगले दिन वो ऑफिस में पहुंचा पर वहां पर ऑफिस का ओनर नहीं था। रिसेप्शनिस्ट उसे ज्यादा भाव नहीं देता। उसके पास अभी वो सीडी नहीं थी। रात में जब वो बार में था तो बॉबी की वाइफ अपने ब्रदर को लेकर उसके पास पहुंचा दिया। ब्रदर का नाम है डेक्स। डेक्स ने कहा कि बॉबी तुम्हारे साथ कार लेने के लिए गया था, तुम्हें कुछ काम था, उसके बाद डायरेक्टली उसकी डेथ हो गई। अब मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, एक तो हम पुलिस के पास चल सकते हैं वरना तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। उससे चुप रहने के लिए $10,000 मांग रहा था, अगर उसने पे नहीं किया तो डेक्स उसे मार डालेगा। वो एक बहुत बड़े ट्रबल में था। हैंक अपनी एक्स वाइफ के पास आकर उसे पैसे मांगता है पर एक्स वाइफ उस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। कहती कि तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए और अब तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। हैंक गोलियां लेकर खुदकुशी करने की कोशिश करता है पर ये चीज वो कर नहीं पाता। फ्यूनरल से बाहर आने के बाद हैंक ने जीना को कॉल लगाया, उसे मिलना चाहता था पर जीना उसे मना कर दिया। उसने कहा कि एंडी को मेरी जरूरत है। अगले दिन वो कार रेंटल शॉप में आता है और उसका आईडी मांगता है। हैंक ने किसी और नाम से ही गाड़ी ली थी तो अपना आईडी वो नहीं दे सकता, एक ट्रबल हो सकता था पर उसने अपना क्रेडिट कार्ड उसे दे दिया। उसे सीडी फिर से वापस मिल गए।
अब फिर से एंडी की स्टोरी आगे बढ़ती है। जब उसकी मदर ही हर्ट हो गई तो उसे बहुत ही पछतावा हुआ था। उसके ऑफिस वालों को पता चल गया कि उसने फ्रॉड किया है, तो ऑफिस से उसे बार बार कॉल आ रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया और अपने ड्रग डीलर के पास गया, पर एंडी की कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं थी, तो ड्रग डीलर उसे अंदर नहीं आने देता। फ्यूनरल के बाद एंडी के फादर ने उसे बात की थी। उसे कहते कि मैंने हमेशा तुम्हें घटिया तरीके से ट्रीट किया, मैं डरता था कि तुम मेरी तरह ना बनो, तुम उससे बेटर बनो। उसे सॉरी कह रहे थे। एंडी ने कहा कि कभी भी मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा ही नहीं था। चार्ल्स गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मारते। एंडी फिर जिना को लेकर घर आने लग गया। वो बहुत रोता है। जिना से कहता है, मैं कभी भी मेरे फादर की तरह नहीं बनना चाहता था, इसी वजह से मैंने कभी भी मेरे प्रॉब्लम्स तुम्हें नहीं बताए। हमारे रिलेशनशिप को भी लेकर मैं बहुत डरता आ रहा हूँ। जिना समझ गई थी कि एंडी के साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वो ऑफिस जा रहा था तो जिना कहती कि तुम्हें आज नहीं जाना चाहिए, तुम घर वापस आने के बाद अगर मैं घर में ना रहूं तो फिर तुम क्या करोगे। वो एक तरीके से उसे वार्निंग दे रही थी, पर एंडी को बात समझ में नहीं आई। वो जब वापस आया तो जिना ने अपने सारे कपड़े पैक कर लिए थे और वो यहाँ से जाने वाली थी। जिना ने कहा कि मुझे तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आजकल चल क्या रहा है इसके बारे में तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते, तुम मुझ पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते, मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। एंडी को सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। जिना ने कहा कि वो तुम्हारा ब्रदर ही है। इसके बाद वो यहाँ से चली गई। पैरेलल में चार्ल्स अब डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अब वो खुद करेंगे। वो खुद ज्वेलरी बिजनेस में थे तो कहाँ पर इल्लीगल ज्वेलरी सेल की जाती है इस सब के बारे में उन्हें पता था। वो उसी ओल्ड मैन के पास आए जहाँ पर एंडी ऑलरेडी आ चुका था। वो उससे पूछते कि क्या अब भी तुम वही बिजनेस करते हो। ओल्ड मैन कहता है कि हमेशा तुम खुद को कुछ और ही समझते थे, ये वर्ल्ड किस तरीके से वर्क करता है इसके बारे में तुम्हें पता नहीं था, पैसों के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। चार्ल्स वहां से जाने लग गया तो ओल्ड मैन एंडी का कार्ड उसे दे देता है। ये देखने के बाद चार्ल्स को शॉक लगा, वो सब कुछ समझ गए थे। हैंग ने एंडी को कॉल किया और उसे डिक्स के बारे में बताया था। अब उन्हें $10,000 लगने वाले थे। एंडी इन सब ट्रबल से बचने के लिए अपना सारा सामान पैक कर लेता। अब वो कंट्री छोड़कर जाने वाला था। ऑफिस में आकर उसने अपने पैसे ले लिए। अब चार्ल्स उसका पीछा करने लग गए थे। एंडी हैंग को कहता है कि चलो हम डिक्स से जाकर मिलते हैं। हैंग ने कहा कि अगर हमने डिक्स को पैसे दे दिए तो हमेशा वो हमें ब्लैकमेल करता रहेगा। एंडी ने कहा कि फाइनली तुम्हारा दिमाग चला, हम उसे जाकर बात करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होगा। हैंग ने कहा कि हम $10,000 कैसे लाएंगे। एंडी फिर उसे अपने ड्रग डीलर के पास लेकर जाता है। उसके पास आने के बाद उसने उसे बहुत मारा। अंदर उस डीलर का एक क्लाइंट पड़ा हुआ था। एंडी गन लेकर उसे मार डालता है। हैंग इसे डर गया। एंडी ने लॉकर से सब कुछ पैसे निकाल लिए। जाते जाते वो ड्रग डीलर को भी मार देता है। हैंग ने कहा कि हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। एंडी कहता है कि वो ड्रग डीलर हमारे पीछे गैंग लेकर आता, हम उससे बच नहीं सकते थे। इसके बाद वो डायरेक्टली डिक्स के पास आए, उसे वो पैसे दिखाते और एंडी ने उस पर गन लगा दी। उसे चेक करता है, उसके बाद उसे भी उसने मार दिया। घर पर बॉबी की वाइफ थी, उसे भी वो मारने वाला था, पर हैंग उसे कहता है कि तुम ऐसा कर नहीं सकते, उसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। एंडी ने कहा कि बुरा आइडिया नहीं है, मुझे तुम्हारे और जिना के बारे में पता है। हैंग ने कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, तुम अगर मुझे मार दोगे तो मुझ पर ऐसा नहीं करोगे। मरने से पहले डेक्स ने बॉबी की वाइफ को एक गन दिखा दी थी। एंडी डिस्ट्रैक्टेड था तो गन लेकर उसे मार डाल दिया। उसने हैंग से कहा कि यहाँ से चले जाओ। हैंग जाते जाते कुछ पैसे उसे छोड़कर जाता है। बिल्डिंग से बाहर आते हुए चार्ल्स ने हैंग को देखा था, पर वहां से भाग जाता है। वहां पुलिस पहुंचते और एंडी को हॉस्पिटल में लाया गया। एंडी ने चार्ल्स को कहा कि वहां पर हम कोई भी गन लेकर जाने नहीं वाले थे, कोई भी हर्ट नहीं होने वाला था, सब कुछ बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। चार्ल्स एंडी को सुना देते हैं। एंडी की चेस्ट की नोट्स उन्होंने अपने चेस्ट पर लगा दिए, यानी कि हॉस्पिटल के किसी को भी पता ना चले। इसके बाद उसे दम घोटकर मार देते हैं। फिर से सब कुछ जैसा था वैसा कर दिया और वो बाहर आ गए और नर्स को बुलाते हैं। हैंग जिना के साथ अलग कंट्री में चला गया था। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। ये हमें बता के जाती है कि गलत रास्ते का एंड कभी भी अच्छा नहीं होता, सब लोगों को इसके लिए भुगतना ही पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर